सो है गाइस, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे गेम के अंदर हिपो बंडल कब रिटर्न में देखने को मिलेगा और एक इवेंट में आएगा, इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में तो गाइस आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस वीडियो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू प्रोफाइल एनिमेशन इमोट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन हमें हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो गाइस, इसे निकालने टोटली आपको 1100 डायमंड लग जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू टोकन व्हील इवेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें से हमें लेजेंडरी मेल का बंडल देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस ये वाला मेल का बंडल हमें इस टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इसी का फीमेल वर्जन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी के साथ में इसी टोकन व्हील इवेंट में हमें न्यू स्कारगन का स्किन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस इवेंट में हमें ग्रुप डांस इमोट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस बात करते हैं इसे निकालने टोटली आपको कितना डायमंड लगेगा। तो गाइस इसे निकालने टोटली आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी ओल्ड ग्रो जगन का स्किन भी रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो गाइस, इसे निकालने टोटली आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी इवो M1887 गन का स्किन भी रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा या फिर हमें फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा। तो इसे निकाले टोटली आपको 1200 डायमंड लग जाने वाला है। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू लेजेंडरी मेल का बंडल देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइज, जो कि हमें फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा। तो इसे निकाले टोटली आपको 1200 डायमंड लगने वाला है। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी ग्रीन एंजल इवेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये हमें बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो गाइज, इसे निकालने टोटली आपको 3000 से लेकर 4000 डायमंड लग जाएगा। तो गाइज बात करते हैं हमारे गेम के अंदर हिप हॉप बंडल कब रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं ये किस इवेंट में आएगा। तो गाइज ये हमें साथ से हमें टोकन टावर इवेंट में देखने को मिल जाएगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि ये हमें टोकन टावर इवेंट में ही देखने को मिलेगा। तो गाइस बात करते हैं इसके डेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पहली बार हमारे गेम के अंदर पहली बार हिप हॉप बंडल कब रिटर्न में देखने को मिल गया था, जो कि हमें 21 दिसंबर को देखने को मिल गया था, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर बैनर देख सकते हो गाइस। तो कोई भी आइटम हमारे गेम के अंदर रिटर्न में आता है तो कम से कम एक साल के बाद ही रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो कम से कम ये हमें आने वाले नवंबर मंथ में या फिर हमें दिसंबर मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।